हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट अगेन। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, वनस्थली बोलते हैं उसको, वो चीज बहुत अच्छी बनी हुई है। मे बी टूरिस्ट प्लेस हो या ना हो, वो बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन देखते हैं। अगर जाने दिया तो मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ की कुछ तस्वीरें, और आपको लोकेशन भी मैं बताऊंगा कहाँ है वो। चलो मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वनस्थली में। देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड कितना ग्रीन है, कितना सही है, सुंदर ग्रास लगा रखे है, और इस साइड भी ग्रास है। बाकी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूं ये चीज़ें, यानी अंदर आके अच्छा लगता है कि यहां सही चीज़ बनी हुई है। अगर आप फ्लैग देख पा रहे हो, वनस्थली बोलते हैं इसको, वनस्थली बहुत ही सुंदर बना रखी है। यानी इनके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बस आप बाहर बाहर घूम सकते हो, आउटर साइड में, इन वाली चीज़ों में आप घूम सकते हो। शांत है, बहुत ही सुंदर है, पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। इधर फाउंटेन्स वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन अभी चल नहीं रहे। मे भी जब चलते होंगे तो बहुत ही सुंदर लग दिखते होंगे। यहाँ पे एक्चुअली कोई है नहीं गाइड जो हमें गाइड कर सके, लेकिन यहाँ इधर देखो कितनी सुंदर कलाकृति कर रखी है। मैं पास जाके दिखाऊंगा आपको। ये धार्मिक स्थल है, कृपा मर्यादा बनाए रखे। परिसर में जाने के लिए कृपया जूते यहीं उतार के जाएं। तो चलो जब ऊपर जाएंगे यहीं पे शूज़ उतार के जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कलाकृति दिखा देता हूँ, क्या सुंदर बना रखी है। Thank you.
ही सुंदर। आपको कभी भी मौका मिले, ये एक्चुअली पड़ेगा जब आप लुधियाने की तरफ जाओगे, लुधियाना लेफ्ट हैंड साइड मंजी साहब से आगे है ये। ये मैं आपको बाहर की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, वनस्थली इसको लिखा हुआ है, बड़े बोर्ड्स पे लिखा हुआ वनस्थली, तो आप आ सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट है ये। और अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर टिकट नहीं है, सिर्फ आपकी एंट्री वहाँ पर होगी जिसमें आपकी डिटेल फिल करी जाएगी, उसके बाद आप अंदर घूम सकते हो पूरा अच्छे से, लेकिन यहाँ पर टिकट वगैरह कुछ नहीं है। तो आप कभी भी फैमिली के साथ आओ, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, गर्मी ज़रूर है लेकिन वैसे अंदर आके अच्छा लगा, ग्रीनरी होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। हेलो फ्रेंड्स, तो जगह बहुत अच्छी थी वनस्थली, और जाके मज़ा भी आया उसके अंदर, बहुत ही प्लीजेंट जगह थी, कूल जगह थी, शांत जगह थी, और वहाँ की जो ग्रीनरी है और जो मेंटेनेंस है, जैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, सच में अल्टीमेट।
और इम्पोर्टेड थिंग मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि वैसे अगर आप ये वाला मोबाइल लेके जाओगे तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई टिकट है। लेकिन हाँ, अगर आपने DSLR लेके जाना या कोई बड़ा कैमरा लेके जाना है देन उसके चार्जेस हैं, 5100 उन्होंने चार्जेस करके रखे हुए हैं। और आप वहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हो, प्री वेडिंग शूट हो गया या आपने वैसे शूट करवाना है तो आप वो कर सकते हो वहाँ पे, ऐसा सच कोई मनाही नहीं है, बस आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी सिर्फ 5100। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरी वनस्थली वाली तो प्लीज़ उसको ज़रूर आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना वीडियो को। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मैं हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसी जो चीज़ एक्सप्लोर करके लेके आऊँगा जो बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। थैंक यू गाइज अब तक के लिए अपना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।